ये देखिए, ये हमारा वेज, ये पनीर स्प्रिंग रोल है, ट्राई करके देखते हैं। मोमोज की चटनी के साथ ये देखिए, उससे ज़्यादा खास है भैया की कहानी। 17 से 18 साल भैया ने जॉब की है, उसके बाद अपना कार्ड खोला है। वाह भाई वाह, रेस्टोरेंट होटल में आपने बहुत से हैप्पी आर सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर हैप्पी आर चल रहा है, एक स्प्रिंग रोल ले लो एक प्लेट और भैया हाफ स्प्रिंग रोल मिलेगा फ्री में। ये स्प्रिंग रोल कट कर रहे हैं हमारे संदीप भाई, संदीप कैश भाई हैं ये। इस वक्त मैं द्वारका में हूँ, द्वारका में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट कैंपस के नॉर्थ गेट के बिल्कुल सामने। और वैसे तो स्प्रिंग रोल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, खास नहीं लगते, लेकिन मैंने सुना था स्टूडेंट से NSIT के, NSUT बोलते हैं आजकल इसको, कि यहाँ पर स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे मिलते हैं। हमने लिया है पनीर स्प्रिंग रोल, वेज स्प्रिंग रोल, साथ में सॉसेज दी गई हैं। ये मोमोज़ की सॉस है, ये मिंट की सॉस है, ये तंदूरी सॉस है, ये वाइट मायोज है। ये देखिए, ये हमारा वेज, ये पनीर स्प्रिंग रोल है, ट्राई करके देखते हैं। मोमोज़ की चटनी के साथ ये देखिए, क्रिस्पी है चटनी के साथ मिलके, सॉस के साथ मिलके बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी फीलिंग नहीं है जिसकी वजह से मैं कहूँ कि ये बहुत ही लाजवाब है। बात की जाए वेज स्प्रिंग रोल की, तो जो मुझे पनीर स्प्रिंग रोल से ज़्यादा अच्छा लगा, इसमें नूडल्स हैं और वेजिज डाले गए हैं, ये थोड़ा बेटर लगा। प्राइस की बात की है, प्राइस है वेज स्प्रिंग रोल का 250 रुपये के, पनीर स्प्रिंग रोल है 70 रुपये के। अगर आप एक प्लेट लेते हैं तो आपको हाफ फ्री मिलता है, तो मुझे स्प्रिंग रोल ठीक ठाक लगे। एक भैया मेरी तरह यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम स्प्रिंग रोल खा रहे हैं। आपने मेरी तरह फर्स्ट टाइम स्प्रिंग रोल खाए, कैसे लग रहे हैं? बढ़िया। अच्छा, दोबारा आओगे? गर्म गर्म है, बिल्कुल आएंगे। और जब बेस्ट पार्ट वो है कि ऑयली नहीं है, ज़्यादा ऑयली नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। हालांकि डीप फ्राई होते हैं लेकिन ऑयली नहीं, बता रहे भाई साहब, इतने ऑयली नहीं है जितने होने चाहिए, बड़ा ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड आपको चटनी का तो इनका पता ही है, तीन तरह की सॉसेज ये दे रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बताने के तरीके से बता रहे हैं, बहुत फूडी है मेरे भाई, बहुत फूडी है। कहाँ के रहने वाले? यही आसपास, द्वारका। पहली बार आए इस ई कार्ट पे? यस, इस वाले पे पहली बार, बट इट्स अ नाइस नाइस थिंग। चलिए कार्ट को दिखा दीजिए, प्राइस भी ठीक है, वेरी नाइस। कार्ड दिखा दीजिए पहले, सौरभ कार्ड का नाम बता दीजिए। कशिश कैश, सॉरी कैश ई फूड कार्ड। अच्छा, स्प्रिंग रोल ठीक है, उससे ज़्यादा खास है भैया की कहानी। 17 से 18 साल भैया ने जॉब की है, उसके बाद अपना कार्ड खोला है। संदीप भाई से खुद पूछते हैं क्या कहानी है इनकी। चलिए, तो यह संदीप भाई, संदीप भाई के कार्ड का नाम है, क्या नाम है कार्ड का? कैश ई फूड कार्ड। कैश ई फूड कार्ड, ई फूड कार्ड। ये बहुत सुंदर सा सेटअप तैयार किया हुआ है। संदीप भाई, कहानी बहुत खास है आपकी, आपका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद आपने सोचा कि जॉब ना करते हुए अपना खुद का काम किया जाए, क्या हुआ था? एक्चुअली मैं जोधपुर में वॉशरूम में बहुत हाई स्पीड से स्लिप होने की वजह से थाई के अंदर फ्रैक्चर हो गया था, फिर ऑपरेट हुआ तो 8-9 महीने बेड रेस्ट पे चला गया था। इसीलिए मैंने खुद डिसीजन लिया था कि जॉब से क्विट करके अपना ही कोई काम करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इसको रिकवर होने में 1-1.5 साल लगेगा, तो आप ज़्यादा ट्रैवल ये सब नहीं कर पाओगे, तो मैं क्यों किसी के ऊपर बोझ बनना है, अपना ही काम करते हैं। 17 साल जॉब कर ली है, बहुत है, इंटरनेशनल ट्रिप भी किए हैं, सब कुछ किया है। मैं थाईलैंड गया हूँ और मलेशिया गया हूँ, 4-5 बार गया हूँ जी। एकदम कैसे आया दिमाग में कि मुझे कार्ड खोलना चाहिए? खाने पीने का शौक था या पहले किया हुआ था कुछ काम? एक्चुअली मैं जो इनिशियल जो स्टडी की थी 10th क्लास तक, वो हॉस्टल में की थी, तो हॉस्टल के अंदर जैसे हम सीनियर थे तो हमारे पे जिम्मेदारी आती थी कि खाना देखना है या खाना बनाना है। ऐसे करते करते फिर नॉर्मल लाइफ में आने के बाद भी मुझे फूड के अंदर एक शौक था, खाना बनाने का मुझे शुरू से ही शौक रहा, स्पेशली सर्व करने का शौक था। अच्छा। तो ऐसे ही डिसीजन लिया कि जब मैं खाली था क्या करें क्या करें, तो ऐसे ही मेरे को ये कार्ड मिल गया, OLX से मिला था मेरे को ये। अच्छा। हाँ, जिन्होंने जिनसे मिला वो भी बहुत सज्जन थे, वो रेलवे में शेफ थे, उन्होंने ही डिज़ाइन किया था,
उनकी मिसेज ये काम करती थी, बट उनका ट्रांसफ़र हो गया था इसलिए उन्होंने ओलेक्स पे डाला हुआ था, तो मैंने उनसे परचेज करके और काम शुरू किया। कैसा रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला मेरे को। शुरुआत ज़िंदगी में कभी भी की जा सकती है, उम्र की कोई सीमा नहीं है, और अगर आप निराश हैं, नौकरी नहीं है या किसी वजह से आप परेशान हैं, तो संदीप भाई ये कहा जाए कि कभी भी शुरुआत की जा सकती है ज़िंदगी में, कभी भी इंसान जो है वो लेट नहीं होता है, क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, बस भगवान हाथ पर सलामत रखे, आदमी कुछ भी कर सकता है। हाँ, हौसले बुलंद होने चाहिए। चलिए संदीप भाई के पास वेज जम्बो मोमोज भी हैं, पनीर जम्बो मोमोज है, चिकन जम्बो मोमोज है, वेज स्प्रिंग रोल है, और यहाँ हैप्पी आवर चलते हैं। हैप्पी आवर आपने रेस्टोरेंट या होटल में सुने होंगे, लेकिन मैं कभी भी लगा देता हूँ स्टॉक के देख के कि मुझे क्या क्लियर जल्दी करना है। अच्छा। ताकि नेक्स्ट डे मैं फ्रेश मटेरियल लेके आ सकूँ। हैप्पी आवर कभी मिल जाएगा आपको, जल्दी से एड्रेस बता दिए। एड्रेस है ये NSUT कैंपस है, नॉर्थ गेट है, नियर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से आते हैं तो पालम किले जब टर्न लेते हैं लेफ्ट तो अराउंड 700 मीटर ऑन रोड ही हूँ मैं। अपोजिट में सूर्य ग्रीन बैंकेट हॉल भी है। जल्दी से वीडियो शेयर कीजिए, संदीप भाई की हिम्मत को, हौसले को सलाम। बिल्कुल, और जल्दी से वीडियो शेयर कीजिए, किस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं, किस तरह का फूड चाहते हैं आप हम कवर करें, बताइए हमें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, बने रहिए खिचड़ी फूड चैनल के साथ। बाय बाय।